मैं डॉक्टर योगिता पराशर, कंसल्टेंट ऑप्स एंड गायनी मणिपाल हॉस्पिटल में. आज हम बात कर रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ अनीमिया इन फीमेल्स, यानी कि जो हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है उसका एक फीमेल पे क्या इम्पैक्ट होता है. तो इसको हम बांट सकते हैं तीन भागों में. फर्स्ट पार्ट, जब एक फीमेल अपने पीरियड्स के साथ शुरुआत करती है उसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं. उस एक से दो साल के अंतराल में जनरली पीरियड्स बहुत इरेगुलर होते हैं, कभी कभी बहुत फ्रीक्वेंसी में आते हैं और कभी कभी बहुत लंबे चलते हैं. पीरियड्स का जल्दी जल्दी आना और उनका लंबा चलना, दोनों के दोनों चीज़ें हमारे हीमोग्लोबिन को डाउन करती है और हम अनीमिया के शिकार हो सकते हैं उस टाइम. तो इन बच्चों को प्रॉपरली देखना, इन्वेस्टिगेट करना और इनका सप्लीमेंटेशन करना विद आयरन प्लस एक अच्छी डाइट जो कि आयरन रिच हो, उन सब का बहुत इम्पोर्टेंस है. बिकॉज ये जितना अनीमिया ग्रसित होंगे ये बच्चे, उतना ज़्यादा चांसेस होंगे इनमें इन्फेक्शन कैच करने के. और अपना जो मेन इनका टाइम है पढ़ने का, ग्रो करने का, वो सब इम्पैक्ट होता है. ग्रोथ रिटार्डेशन होती है, जितनी बीमारियाँ आती हैं उतना इनके ग्रोथ पे फर्क पड़ता है और बच्चों की पढ़ाई में कंसंट्रेशन पे फर्क पड़ता है. तो ये सारा इनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट इनके आगे आने वाली लाइफ पे पड़ता है. इसलिए ज़रूरी है कि हम इन तीनों चीज़ों को जल्दी से जल्दी करेक्ट कर दें और एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा के जो भी इन्वेस्टिगेशन और थेरेपी रिक्वायर्ड है वो हम इन बच्चों को प्रोवाइड करें. सेकेंड ग्रुप आते हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप फीमेल का, यानी कि जो एक एज ग्रुप है जब हम बच्चे पैदा करने के बारे में सोचते हैं. तो इंडिया में जनरली 18 to 35 एक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप माना गया है. तो इस टाइम पे भी जब हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं और कंसीव करने के बाद डिलीवरी करने तक हमारा हीमोग्लोबिन एक अच्छे लेवल पे रहना बहुत ज़रूरी है. तो WHO ने जनरली रिकमेंड किया है कि 11 के बिलो जितने भी लोग हैं जिनका हीमोग्लोबिन बिलो 11 है उनको हम अनीमिक कहते हैं. तो अनीमिया में जो जो लोग जब एंटर करते हैं प्रेगनेंसी में और ऑलरेडी अनीमिक है तो उनके बॉडी में बेबी तक न्यूट्रिशन सप्लाई पहुंचने में और ज़्यादा दिक्कत आती है. और जनरली बेबी अपना न्यूट्रिशन ले लेता है किसी तरह, लेकिन जो इम्पैक्ट आता है वो फाइनली मदर के ऊपर आता है. और एक हेल्दी मदर ही एक हेल्दी बेबी का विकास देख सकती है, एक बेबी की केयर कर सकती है. तो अगर मदर खुद ही हेल्दी नहीं होगी तो बेबी के ऊपर उसका इफेक्ट अच्छा नहीं आता. तो सेकेंड थिंग इज कि जब आपके अंदर खून की कमी है तो ऑक्सीजन जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कैरी करने का. तो उसको भी जो कैरिंग प्रोसीजर है वो स्लो हो जाता है. जो बच्चा पेट में पल रहा है उसके ग्रोथ में रिटार्डेशन आती है. और ये जो ग्रोथ रिटार्डेड बच्चे, इसका इम्पैक्ट इनकी लेट लाइफ तक आता रहता है. तो इसीलिए अनीमिया इस टाइम पीरियड में बिल्कुल भी हम अलाउ नहीं करते हैं. जल्दी से जल्दी हम करेक्टिव मेजर्स अपनाते हैं और इन फीमेल्स को जो प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं लो हीमोग्लोबिन के साथ, उनका हीमोग्लोबिन हम बेटर करते हैं. प्लस जब डिलीवरी का टाइम आता है मिनिमम 10 ग्राम से ऊपर इनका हीमोग्लोबिन फीमेल्स का रहना चाहिए. अगर ये हीमोग्लोबिन 10 ग्राम से नीचे गिरता है तो जैसा कि आप जानते हैं बर्थ प्रोसेस में मिनिमम जो ब्लड लॉस होता है उसमें 1 ग्राम हीमोग्लोबिन और कम हो जाता है. तो अगर कोई डिलीवरी टाइम पीरियड में एंटर ही 10 ग्राम से नीचे कर रहा है तो ब्लीडिंग होने से उसका और कम हो जाएगा ब्लड, और उसमें 10 तरह की और बीमारियां आने का, इन्फेक्शन जल्दी कैच करने का, पोस्टपार्टम हेमरेज, ये सारी परेशानियों के कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ जाते हैं. तो इसीलिए अनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसको भी करेक्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने इस समय बहुत सारे कदम उठा रखे हैं. एंड फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन फॉलिक एसिड ही किया जाता है. जब हम प्राइवेट हॉस्पिटल में आते हैं तो गुड अमाउंट ऑफ आयरन, एडिक्वेट हाइड्रेशन, वाइटामिन सी सप्लीमेंट्स, ये हम अपने पेशेंट्स को देते हैं. तो ऑल दिस थिंग्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने पेशेंट्स को करेक्ट करके एक अच्छी प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी देने के लिए. थर्ड पार्ट आता है जब ये वाली फीमेल्स नियर अबाउट अपने मीनोपॉज, पेरीमीनोपॉजल और मीनोपॉजल एज ग्रुप में आती हैं.
कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं गायनी की जो कि इन फीमेल्स को ग्रसित करती हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड्स हो गया, मेनोरेजिया हो गया, यूट्रस में एडिनोमायोसिस एक कंडीशन होती है वो हो गया। तो आप कई बार बिना किसी कंडीशन के एक डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, उसमें भी हैवी ब्लड लॉस होते हैं। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स जब फीमेल्स में कोई ना कोई आती हैं तो अनीमिया होने का इनमें भी बहुत ज़्यादा डर होता है। तो अंडरलाइन कॉज करेक्ट करते करते हम इन पेशेंट्स का अनीमिया भी करेक्ट करते हैं और फिर इनको वेरियस ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन प्लस सर्जिकल, जिससे कि हम इनके अनीमिया को डिक्रीज कर सकें और अपने पेशेंट्स को एक बेटर आउटपुट दे सकें। तो फिलहाल यही है कि एक अच्छी हेल्दी फीमेल बैकबोन होती है हर फैमिली की, और जब हम अपनी फीमेल को हेल्दी रखेंगे, अनीमिया मुक्त रखेंगे, तभी एक अनीमिया मुक्त भारत बनेगा। थैंक यू।